नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं विष्णु, आप सभी का मेरे देसी वीडियो में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मेरा गांव दिखाऊंगा कि मेरा गांव कैसा है, कितना बड़ा है। बहुत दिन से सोच रहा था दोस्तों कि मैं आप लोगों का आज बहुत दिन से सोच रहा था दोस्तों कि मैं आप लोगों को मेरे गाँव दिखाऊँ, लेकिन मैंने गाँव के ऊपर कोई वीडियो ही नहीं बना पाया क्योंकि मेरे कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रहा था। इस वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, और अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिन से मेरे वीडियो नहीं आया अभी। तो इसलिए आज थोड़ा कुछ तबीयत सही से लगा तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को गांव दिखाता हूँ मेरे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहा होगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल स्कूल के ऊपर हूँ, और इसके ऊपर भी स्कूल के ऊपर क्यों चढ़ा इसकी भी एक रीज़न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। ये देखो बच्चे लोग ग्राउंड पर टाइम पास कर रहा, सब अपने अपने मस्ती पे लगा है यार, करने दो। तो दोस्तों, मैं स्कूल के ऊपर इसलिए चढ़ा हूँ, बता दूँ क्यों चढ़ा है ना। स्कूल के ऊपर इसलिए चढ़ा दोस्तों कि हमारा गांव है ना पूरे एकदम झाड़ियों से पैक है। देखो हर घर के आगे पीछे सब तरफ झाड़ पड़े लगा हुआ है। अगर गाँव के अंदर गांव पे अगर रोड पे चलते ना तो किसी के मकान नज़र ही नहीं आता दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कर कुछ आप लोगों को अच्छे सीन दिखा सकूँ गांव के। लेकिन तो दोस्तों, स्कूल के ऊपर से भी गांव के सीन सही शॉट नहीं आ पा रहा। तो चलिए देखते हैं, स्कूल के नीचे से उतर कर गाँव के बीच में चलते हैं, दिखाते हैं गाँव कैसा दिखता है आप लोगों का। वैसे तो गाँव दिख ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं सब वीडियो, आप लोग देख सकते हैं इधर पर जो पूरे झाड़ पेड़ दिख रहे हैं ना, इसी के अंदर गाँव है हमारा। पूरे हर घर के आगे पीछे आप लोगों को झाड़ पेड़ नजर आएगा। रोड से भी चलेंगे ना तो आप लोगों को घर दिखाई नहीं देगा, घर के पास में पहुंचेगा गेट में तभी देखेगा घर, क्योंकि इतने ज़्यादा झाड़ पेड़ लगा हुआ है हमारे गांव पे। चलो आप लोगों को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप लोगों को गाँव स्कूल के ऊपर से। चलो तो चलिए एक बार आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ गाँव अगर दिख जाए तो। जी देख सकते हो दोस्तों, जय है मोहल्ला। ये देख सकते हो हर घर की आगे पीछे आप लोगों को झाड़ देखने को मिलेंगे। ऐसे एक भी घर बाकी नहीं कि जिसके आगे पीछे झाड़ पड़े ना हो, तो इसलिए ना क्लियर गांव नहीं दिख सकता हमारे। ड्रोन शॉट होता ना तो दोस्तों तब दिखता गांव की नज़ारा, तो एक नंबर एकदम अल्टीमेट वाले सीन आता फिर ड्रोन शॉट से। तो चलो आप लोगों को चौराहे पर जाके दिखाता हूँ। ये जो हमारा गांव है बसीगत गांव है, पहले और कहीं था लेकिन यहाँ पे हमें सरकार ने बसीगत किया। इसके बारे में कभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आज तो आप लोगों को गांव दिखाता हूँ, इसके बाद गांव के बारे में कुछ डिटेल आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ऊपर से नीचे चलते हैं, फिर दिखाऊँगा आप लोगों को। दोस्तों, रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले। दोस्तों, मैं स्कूल से नीचे उतर चुका हूँ, जो देख रहे हैं ना आप लोग, जो स्कूल के ऊपर था मैं। चलिए आप लोगों को गांव के सीन दिखाता हूँ गांव के अंदर चलकर। बाय बाय विष्णु चाचा।
आ गए दोस्तों हम हमारे गांव के मेन चौराहे पे। यहाँ पे देख सकते हैं एक मोहल्ला जगह है सीधा, और इधर एक मोहल्ला जगह है, ऊंचे वाले रास्ता है दोस्तों। जगह है सीधा सीमरी, यहाँ से करीबन होगा 5 किलोमीटर मार्केट, ये रास्ता वहाँ पे गया। मार्केट हमारे गांव से होगा करीबन 5-6 किलोमीटर, उसके अंदर जंगल पे है दोस्त हमारे गांव, देख सकते हो आप लोग। ये हमारे गांव के मंदिर, दुर्गा जी, गणेश जी वगैरह यहाँ पे बैठा। दोस्तों गांव के बारे में जितने अच्छे से वीडियो बनाने का सोच रहा था उतने अच्छे से बन नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों कोई सीन गांव के ले नहीं पाया मैंने, क्योंकि कोई सीन ले नहीं पाया मैं गाँव की, क्योंकि गाँव में झाड़ पेड़ बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था वीडियो बनाने में। किसी घर के सीन अच्छे से मैं ले ही नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि झाड़ पेड़ इतने ज़्यादा है ना कि घर की सीन ही नहीं आ पा रहा था। दोस्तों जितने अच्छे से वीडियो बनाने की सोच रहा था उतने अच्छे वीडियो बन नहीं पाया। तो ठीक है यार दोस्तों, अगर मेरे गाँव और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना यार। और दोस्तों अगर गाँव के किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा।